इन दोनों को अलग करो मियां बीवी को। तो ये तेरा मैक्स वेट है अब जब हाय गाइस गुड मॉर्निंग। साला ये भी कोई लाइफ है, सुबह 4 बजे से उठ जाओ, सब काम निपटाओ, उसके बाद फिर जाके अपना पहला प्रोटीन लो और चुपचाप वॉक पे निकल जाओ, फिर जिम जाओ, फिर आओ। यस आई एम एंजॉयिंग दिस। स्वागत है आपका 121वें एपिसोड में। पीछे देख रहे हो, आज अंधेरा ही है, मैं जल्दी आ गया। आई एम सो हैप्पी विद दिस। मैं सुबह बात कर रहा था ना कि क्या लाइफ हो गई है, ये कैसी लाइफ हो गई है। पहले रोज सुबह उठो, रोज वही सेम काम करो, जिम जाओ, खाओ पियो, सो जाओ। इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ कि ये क्यों अच्छा है बाकी रूटीन से। बाकी रूटीन से मेरा मतलब है कि फिटनेस है नहीं आपकी लाइफ स्टाइल में। कि जब फिटनेस आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है ना, तो ये जो दिन है आपका पूरा दिन उसको स्मूथली रन होने में हेल्प करता है। बताता हूँ, आपको हार्डवर्क की आदत पड़ जाती है, डिसिप्लिन रहने की आदत पड़ जाती है, आप मेंटली और फिजिकली ज़्यादा फिट रह पाते हैं, ज़्यादा अच्छे से सोच पाते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बढ़ जाती है सिर्फ एक छोटे से चेंजेस से, लाइफ स्टाइल चेंजेस से। थोड़ा सा एक पार्ट जो बोलते हैं ना, 4-4 घंटे करना एक्सरसाइज नहीं, आप फिटनेस प्रोफेशनल थोड़ी हो। आपका तो काम है IIT की एग्जाम क्लियर करना, आपका तो काम है कल सुबह उठ के ऑफिस जाना। लेकिन वहीं पे अगर आप फिटनेस को इंट्रोड्यूस कर दोगे अपनी लाइफ स्टाइल में, और जिनका फिटनेस का ही काम है उनके लिए भी यही बात है, बोर हो रहे हो ना रूटीन से, तो इन बातों को ध्यान में, एक स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस रखने में आपकी फिटनेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब ऐसा सोचो, आप दिन भर में 80% समय इसी चीज़ में गवा रहे हो, अरे यार बीमार पड़ गया, कल ऑफिस जा पाऊंगा कि नहीं, अरे यार मेटाबॉलिज्म ठीक है, अरे यार कॉन्स्टिपेटेड लग रहा है। अब प्रोडक्टिव काम में कब दिमाग लगाओगे फिर? तो सिर्फ 45 से 50 मिनट का दिन भर का वॉक और थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन में चेंजेस बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए मैं सुबह कह रहा था कि आई लव दिस लाइफ। ब्लॉगिंग में एकदम लिट, वो बोलता है ना परमेश्वर का माइंड पूरा लिट है, बॉडी पूरी फिट है, एकदम लाइटन अप माइंड के साथ मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। उसके बाद फिर मेरा क्लाइंट वर्क भी है, मेरे स्टूडेंट्स भी है, मल्टीपल चीज़ें करता हूँ मैं दिन भर, अब वो यूँ हो जाती है। यहीं अगर फिटनेस को मैं अपनी लाइफ से हटा दूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट वर्क पे, अपने टीचिंग वर्क पे, अपने घर वहाँ जो घर का काम चल रहा है, घर बन रहा है, बहुत सारे काम है दिन भर भाई, बताऊँगा तो पूरा शाम हो जाएगी अगर एक्सप्लेन करने बैठा। सिर्फ फिटनेस हटा दूँ तो ये धराशाही हो जाए, कुछ भी नहीं कर पाऊँ, गिर जाएगी वहीं के वहीं, मेरा रूटीन वहीं ब्रेक हो जाए। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सवाल है कि हमको ये पता कैसे चलेगा कि कोई बंदा एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे है या फिर कोई नेचुरल है? देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक आपको बताता हूँ, मत करो ना पता, मान लो वो नेचुरल है और अपना 100% दो, अपना हार्डवर्क दो, काम करो, ठीक है, डाइट टॉप नॉच रखो, स्लीप, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, ठीक है, इसी आस में कि ऐसी बॉडी बनाऊंगा मैं, और आप अपनी बेस्ट पॉसिबल फिजिक जो आपका आपके जेनेटिक्स हैं आप अचीव कर लोगे आराम से। आपको ये क्यों जानना है कि वो नेचुरल है या फिर वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, वो ले रहा है या नहीं ले रहा है? एक बात और मैं आपको बताता हूँ, कोई बंदा अगर बोल रहा है कि मैं नेचुरल हूँ, ठीक है, मान लो आप कि वो नेचुरल है, क्योंकि उसने शायद सच में उतनी मेहनत की हो, ठीक है, आपने उतनी मेहनत ना की हो, या फिर आपने उतना हार्डवर्क नहीं डाला हो, सिर्फ हम देख के जज कर रहे हैं, नहीं 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 ये लग नहीं रहा नेचुरल, इसने स्टेरॉइड लिए हैं। आप मान लो उसकी बात क्यों नेचुरल है, जब तक
कोई आपको ऐसी फिजिक नहीं दिख रही है कि नसें पूरी फटके बाहर आ रही है, आर्म्स में एकदम पूरा का पूरा वीन्स पॉप आउट हो रही है, ठीक है, वो अलग ही दिख जाएगा और साइज भी बहुत बड़ा है, ठीक है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एक अच्छा खासा मसल मास कैरी कर रहा होता है बंदा, वो नेचुरल रहता है, उसने मेहनत करी होती है 8-1 साल की और वो लाइट्स बहुत अच्छी कर लेता है अपने आसपास, जिस वजह से वो ज़्यादा मस्कुलर दिखता है, जिस वजह से वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखता है और हमको लगता है नहीं इसमें स्टेरॉइड है। तो ये लाइट्स का, रूम का, लाइट के इफेक्ट रहते हैं जिस वजह से वो बिगर और ज़्यादा लीन और मस्कुलर दिख रहा होता है, ठीक है। पर हम ऐसा जजमेंट देते हैं कि नहीं इसने स्टेरॉइड लिया, तो ऐसा नहीं। आप अपनी मेहनत करते रहो और मैंने आपको साइन बता दिया, जब तक आप लाइफ में, रियल लाइफ में उसको सामने से ना देखो ना, और एकदम फटके बाहर आ रही है, नसें बड़ा है, चौड़ा है, स्ट्रॉन्ग भी है, तब तक मत मानो भाई, मान लो उसकी बात, वो नेचुरल है। तो बस डू योर हार्ड वर्क, ये सब चीज़ें सोचना बंद कर दो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, अपने खाने पीने पे, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते रहो लगातार, एक दिन आपकी बहुत अच्छी बॉडी बनेगी और आपको देख के लोग बोलेंगे कि ये नेचुरल है कि नहीं, समझे। लेट्स गो होम। मैं घर आ गया हूँ, आज मैंने अपना ब्रेकफास्ट स्किप किया है, गिल्टी। ये जो कहते हैं ना लोग कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, नो इट इज़ नॉट। हर मील इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग लाइक आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार रात में बहुत ज़्यादा खाना पीना हो गया था, आज ब्रेकफास्ट स्किप कर सकता हूँ, जस्ट लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर बॉडी एंड वर्क अकॉर्डिंगली। कल जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा IBS ट्रिगर होगा, मुझे गट में दिक्कत आएगी, कल त्यौहार था इसलिए मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा खा लिया, उस चीज़ का मुझे पछतावा भी है, लेकिन वो त्यौहार था और त्यौहार जैसे उसको लिया गया, एक प्रसाद जैसे होली के हमने चीज़ें कंज्यूम करी, एक ही भटूरा मैंने खाया छोले के साथ और ख़त्म। अब मैंने सुबह एकदम मॉर्निंग में केला और उसका शेक लिया था वे प्रोटीन के साथ, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे एग एंड राइस वाली मील नहीं लूँगा, मैं सीधे जिम जा रहा हूँ, जिम से आके अपना लंच कवर करूँगा, क्योंकि कल रात में बहुत सारा खाना खाया गया था और बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन जिसको कहते हैं, वो ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो मेरे पास इनफ एनर्जी है आज अपने लेग डे को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए। ये वाला जो आइसोटोनिक ड्रिंक है ना, ये थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ता है। एक मैंने मसल ब्लेज का भी आइसोटोनिक ड्रिंक ऑर्डर किया है, उसका टेस्ट मैं आपको बताऊंगा एक बार वो डिलीवर हो जाए, ये काफी कॉस्टली है यार। तो जिस आइसोटोनिक ड्रिंक की मैं बात कर रहा था, वो आइसोटोनिक ड्रिंक, क्योंकि मैं रात वाली मील नहीं ले रहा हूँ जो कि 6th मील है, वो मेरी बॉडी के साथ सही से मैच नहीं कर रही है, मुझे डाइजेस्टिव इशू आ जाते हैं इतना लेट खा के मैं अगर सोता हूँ तो वो मील नहीं ले रहा हूँ। उस मील को बैलेंस आउट करने के लिए, उस मील का कार्बोहाइड्रेट बैलेंस आउट करने के लिए ड्यूरिंग वर्कआउट मैं ये आइसोटोनिक ड्रिंक लेता हूँ, इसमें मेरा कार्बोहाइड्रेट वो आखिरी मील का बैलेंस हो जाता है। सबको लेना ज़रूरी है क्या? नहीं, उन लोगों को लेना ज़रूरी है जो एकदम आउट ऑफ एनर्जी महसूस करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज और उनको ब्लैकआउट होते हैं, और एक्सरसाइज के दौरान जो ऐसा चाहते हैं कि थोड़ा सा पेट में कुछ रहे, ठीक है, तो ये आइसोटोनिक ड्रिंक ऐसे में काफ़ी हेल्प करते हैं। आप पेट में कुछ रहे तो वो उल्टी भी करवा सकता है आपको, पेट काफ़ी ज़्यादा अगर आपका भरा हुआ है तो, ठीक है, वैसा वाला वॉमिटिंग वाली जो ऐसी फीलिंग आती है ना, जिसको कहते हैं नौजिया, वैसा भी लग सकता है खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप जिम जाओ तो उस केस में आप ले सकते हो। ये वाला मुझे काफ़ी महंगा पड़ रहा है, 300-250 रुपये का एक सैशे पड़ रहा है यूनिवेद का। मैंने मसल ब्लेज का ऑर्डर किया है, उसका रिव्यू आपको मैं जल्दी देता हूँ जैसे ही आता है। टेम्पो, फॉर्म, एग्जीक्यूशन, टेक्निक, सारे के सारे अंग्रेजी वर्ड जितने भी हैं एक्सरसाइज के एग्जीक्यूशन को लेके, वो यहाँ पे अप्लाई कर दो, उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे। आप लोग बोलते हो ना आपके बम उठता है, आज नहीं उठने देंगे, दो बताना बा 8 reps।
ये बातें, इन दोनों को अलग करो मियां बीवी को। चकर चकर। कल जब मैंने एक चीट मील ली, उसको प्रसाद बोलो चाहे जो बोलो, भटूरा था इतना बड़ा, एक कटोरा, कटोरी भर के छोले थे और खीर थी, उसको खाने के बाद कुछ ऐसा सा नहीं लगा कि और खाते हैं। जब ऐसा कभी कभी होता है ना, एकदम से चीट करते हैं हम, तो इच्छा होती खूब सारा खा लो, अब खाने को मिलेगा कि नहीं अगली बार। मैं रुक गया एक ही, तो ऐसा कुछ अंदर से ऐसी क्रेविंग नहीं थी, चक्के खा लो पेट भरने के लिए खाओ, नहीं। लेकिन यही सेम चीज़ अब क्लीन जो मील्स है मेरी, एग, वाइट राइस और ये सारी चीज़ें जो मैं खाता हूँ, फ्रूट, उसमें ये क्रेविंग होती है कि अब दबा के खाओ, एंड दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि वो यहाँ पे पूरा बर्न हो जाता है। इवन उसको वॉक भी कर लो तो वो कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी फील हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा अनईजी फील हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लीन ईटिंग एंड डर्टी बल्किंग, क्लीन बल्किंग एंड डर्टी बल्किंग। अरे नहीं गई सही में भी, उसके बालों की कसम। तुम लोग कल ये लोग भाई ऐसे मत कर यार, मेरा नुकसान कराएगा क्या? मेरी बात सुन अक्षय, कल तुम लोग गए थे तो फिर क्या खाया था? घर चले गए थे। नहीं कुछ नहीं खाया था। अच्छा अभी इसको तोड़ता मैं। आए मेरी बारी। इवन 30 किलो भी आपको असर दिखाता है अगर स्लो एंड कंट्रोल करो तो। फुल पावर और वेट बढ़ाएंगे। 3-4 कंट्रोल, एक और आएगा बॉस, और आ जाएंगे दो कर। Push. मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया कि दो और ले सकता तो ले लेता हूँ। और बढ़ेगा वेट। तीन और। और आएगा। इसके पैर लंबे हैं, जिनके पैर लंबे होते हैं उनको थोड़ा सा सुमो स्टांस में करना चाहिए, लेग प्रेस हो चाहे स्क्वाट हो या डेडलिफ्ट हो, मतलब हमेशा के लिए नहीं, जैसे जैसे आपका फॉर्म इम्प्रूव होता रहता है, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है, आप बढ़ा सकते हो, स्टांस कम कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तो जो स्टांस में मैंने तेरे को बताया, वाइड स्टांस भी रख रहा है और रेंज वाइड स्टांस के हिसाब से भी कम है, तो ये तेरा मैक्स वेट है। अब जब तक स्ट्रेंथनिंग नहीं हो जाती है ना, तब तक इसी को ही रखना फाइनल। अब तू दूसरा मेन सेट लेगा 3 प्लेट से, ठीक है, जिसमें 15 रेप आएगी, समझा? हाँ यार भाई, हमारे पास हर हाइट के इंसान अवेलेबल है। जा उसको इधर कर दे, इधर स्पॉटलाइट। हाँ ये बात भाई ने खड़े खड़े कर दिया, बताओ यार ये क्या बेइज्जती है।
Targeting 15 reps, 15 plus reps. एक और, एक और. एक और, एक और. एक और. एक और. निकालो एक प्लेट. कितना वेट है ये? 20, 20, 40, 50, 60, 100, 110. 110 का डबल? 220. ठीक है. एक बार रेफरेंस चेक करनी पड़ेगी. ब्लैकआउट. एकदम से चक्कर आ जाते भाई. खाना पड़ेगा ज़्यादा, डाइट थोड़ी सी कम हो गई है. Ugh.
ओए वी आर डन हेयर। जो आज के वर्कआउट की हाईलाइट थी वो था लेग प्रेस एंड रेंज ऑफ मोशन डीपेस्ट रेंज में हमने किया है, और आखिरी का जो पीआर था हमने जो हिट किया है वो 20 प्लस रेप था। सोच के गए थे लेग प्रेस में 15, पर एक और करके 20 हो गया। इसी तरीके से आपको पुश करना चाहिए। आप मेरा चेहरा देख रहे हो, मेरे से बोलते भी नहीं बन रहा आज, इतना ज़्यादा खतरनाक हमारा वर्कआउट हुआ है। और 1480 लगभग 1500 कैलोरी हमारे सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के सेशन में आज बर्न हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जाते ही सो जाऊं या खाना बनाऊं, क्योंकि खाना बनाने की ताकत मेरे शरीर में नहीं है, पर करना हमको ही है। चलते हैं घर। हो मम्मी, और ऐसा होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं है ना वर्कआउट करने के बाद चेहरा या फिर एनर्जी लेवल्स, तो समझो कि कहीं ना कहीं कसर छूटी है। बाप रे, खड़े होते भी नहीं बन रहे। चलो यार। हाय गाइस, गुड इवनिंग। आई एम प्रिपेयरिंग माय डिनर, और ये देखो होल एग्स। पूरे के पूरे नहीं खाने वाला हूँ ऑब्वियसली, इसमें सारे के सारे मैं योग निकालूंगा, और अराउंड मेरे पास 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन बचेगा, क्योंकि ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होल एग्स हैं। मसल बिल्डिंग से रिगार्डिंग एक सवाल भाई ने पूछा है, उसको जवाब देंगे खाना बनाते बनाते। सॉल्ट पे नमक थोड़ा सा ज्यादा ऐड करूंगा, क्योंकि 9 अंडे हैं आज। मैंने धीरे धीरे अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाया है, क्योंकि जिम में आजकल मेहनत ज्यादा हो रही है। भाई पूछ रहा है मसल प्रोटीन, नहीं, मसल को जो स्टिमुलस हम देते हैं, ठीक है, टाइम अंडर टेंशन के साथ कितने रेप्स और सेट्स मोर देन इनफ है हर ग्रुप ऑफ मसल के लिए? 2 मिनट। हाँ, तो भाई इट डिफर्स फ्रॉम मसल टू मसल। जैसे क्वाड मसल है तो वहां पे 2 वेरिएशन हमको चाहिए विद 12-15 रेप रेंज। इसमें अगर फेलियर आ रहा है तो 12-15 रेप रेंज मोर देन इनफ है। क्वाड मसल की बात करें तो क्वाड को हमको लेंथेंड और शॉर्टेंड में ट्रेन करना चाहिए। मतलब एक एक्सरसाइज बारबेल स्क्वाट या फिर स्मिथ मशीन स्क्वाट की, और एक एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन की। अब ऐसे ही अलग अलग मसल्स डिफाइंड हैं, हर मसल का अलग हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट चेस्ट मसल। अब ये जो चेस्ट मसल आपको दिख रहा है, अपर पेक फाइबर, मिडल, लोअर पेक फाइबर, 3 पार्ट में विभाजित है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ट्रेन दिस कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी आप खुद सोच के बताओ भाई। 3 ऑब्वियसली,
क्योंकि अपर मिडल और लोअर अलग अलग एंगल से हमको हिट करना रहता है। पर पेक मसल एक ऐसा मसल है जो कि इंक्लाइन प्रेस में अपर और मिडल पेक फाइबर को हम अच्छे से स्टिमुलस दे देते हैं, ठीक है, पेक मसल में। और एक लोअर के लिए हाई टू लो केबल क्रॉसओवर हम ऐड कर सकते हैं। बट स्टिल अगर एक कंडीशन लेके चलते कि बहुत ही ज्यादा अंडर डेवलप्ड है आपके पेक फाइबर, आपके पेक मसल, आपका चेस्ट, मतलब ये चेस्ट आपके धंसे हुए हैं, बिल्ड ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, काफी मेहनत कर चुके हो आप, या फिर आप अभी बिगिनर हो, तो उस केस में आपको मिनिमम मैं कहूंगा कि 3 वेरिएशन तो कम से कम ऐड करो। ये आ गया हमारा डिनर, जिसमें आप 10 से 15 रेप लोगे और हर वेरिएशन में आपको नियर फेलियर जाना है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी इंक्लाइन बेंच प्रेस, क्योंकि अपर पेक हमारा, देखो मेरा भी गड्ढा गड्ढा दिख रहा है, अपर पेक हमारा सबसे ज्यादा अंडर डेवलप रहता है, इसलिए इंक्लाइन से चालू करो। उसके बाद आप ले सकते हो फ्लैट से डंबल प्रेस या फिर सीटेड चेस्ट प्रेस, और उसके बाद आप ले सकते हो ये वाली हाई टू लो केबल क्रॉसओवर्स, ठीक है, केबल इधर से आएंगे, आपको प्रेस करना है, इट इज फॉर योर लोअर पेक। तो मेरे भाई हर मसल का अलग अलग होता है, मैंने रेप रेंज आपको बता दिया है, रेप रेंज 10-15 रखो और उसमें नियर फेलियर जाने की कोशिश करो, ठीक है। और फेलियर तक जाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आप हाइपरट्रॉफी की ओर बढ़ रहे हो, हाइपरट्रॉफी के अचीवमेंट में आप काफी ज्यादा इनपुट दे रहे हो, और साथ ही साथ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के साथ आपकी रेंज ऑफ मोशन भी इंप्रूव हो रही है, इन शॉर्ट आपकी मोबिलिटी भी बढ़ रही है। बस आप अपने रेप्स को स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करो, जैसा कि भाई आपने बोला, टेम्पो कंट्रोल इज इम्पॉर्टेंट, टाइम अंडर टेंशन इज इम्पॉर्टेंट, और फिर एक जो मेजर फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है जिसका ध्यान रखना है उसके बाद आपको, वो है सही न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। यही सारी बातें मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ कि किन किन ग्रुप ऑफ मसल में उनको कितना रेजिस्टेंस देने की जरूरत है, कितने नंबर ऑफ रेप्स और कितने नंबर ऑफ सेट्स करने की जरूरत है, ट्रेनिंग ओवरऑल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये सारी बातें डिटेल्ड वे में एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू बताई जाती है, और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करती है, इसलिए इन जनरल रिकमेंड कर देना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जितना मेरी तरफ से पॉसिबल था कि आम जनता को बताने में किसी का नुकसान नहीं होगा, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। 10-15 रेप रेंज में स्लो एंड कंट्रोल्ड वे में, अब ग्रुप ऑफ मसल के अकॉर्डिंग डिफर करता है, 2 कंडीशन मैंने लेके बता दी, जस्ट गो ऑन। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, मैं खाता हूँ खाना फिर सोता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल, बाय बाय।